वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। MS IPS स्टडी चैनल आप लोगों के लिए लेकर के आया है डेली करेंट अफेयर। जी हाँ बिल्कुल, प्रतिदिन इस चैनल पे आपको डेली वाइज करेंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। चलिए आज 14 अगस्त 2020 जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है तो हमारा कौन सा राज्य है? गुजरात। यानी कहने का मतलब है जो फिलहाल में सरकार है, मतलब राज्य सरकार जो सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है तो कौन सा राज्य? हमारा गुजरात राज्य है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित जितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों LCH को तैनात किया है तो कितने तैनात किया है? तो हमारा संख्या है दो। कितना है? तो संख्या दो है। इसके बाद है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जिस दिन मनाया जाता है तो किस दिन वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि जो अभी तक कोई ऐसा राज्य नहीं है लेकिन जो पहला राज्य बना है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने जिस भारतीय मूल महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है वो कौन सी महिला है? जो अमेरिका डेमोक्रेट्स पार्टी की मूल भारतीय महिला उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है तो कौन है? कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है लेकिन अभी जो आपको COVID-19 का समय चल रहा है, अभी पूरे विश्व में वैश्विक महामारी जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ये अभी इसका वैक्सीन जो है पहला वैक्सीन अगर बनाया है तो रूस ने जो है इसकी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है तो वो आंध्र प्रदेश है। इसके बाद हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है तो हमारा संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषणा की है। इसके बाद है, जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की तो कौन सी राज्य सरकार है? असम। कौन सी है? असम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए यहीं पे आपका समाप्त हुआ, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए वीडियो में डेली वाइज करंट अफेयर के। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी ऐसे स्टूडेंट जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है जो कि MS IPS स्टडी प्रतिदिन डेली वाइज जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है आपके इस चैनल पे अपलोड मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनका करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है डेली वाइज कंप्लीट रहे। थैंक यू, धन्यवाद।